गाइस, जब आप लोग अपने लैपटॉप को वाईफाई से कनेक्ट करते तो आपके पास एक प्रॉब्लम आ जाती है नो इंटरनेट एक्सेस की। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप लोग नो इंटरनेट एक्सेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर सर्च करना है कंट्रोल पैनल। तो गाइस, जैसे आप लोग यहाँ पर कंट्रोल पैनल सर्च करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है इंटरनेट ऑप्शन। तो आपको यहाँ पे इंटरनेट ऑप्शंस के ऊपर क्लिक कर देना है। तो गाइस, जैसे आप लोग यहाँ पे इंटरनेट ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कनेक्शंस। तो आपको यहाँ पे कनेक्शंस के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पे कनेक्शंस के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे जाना है और आपको यहाँ पे लैन सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग यहाँ पे लैन सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे इंश्योर कर लेना है कि जो आपका यहाँ पे ये वाला टिक होना चाहिए ऑटोमेटिकली डिटेक्ट सेटिंग्स। तो आपको अगर नीचे वाला टिक हो तो आपको कुछ भी यहाँ पे नहीं टिक करना है, केवल आपके यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है ऑटोमेटिकली डिटेक्ट सेटिंग्स, आपको यहाँ पे इसी को टिक कर देना है। इसको टिक करने के बाद आपको यहाँ पे इसको ओके कर देना है, इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है नीचे, आपको वाईफाई के आइकन के ऊपर राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ओपन नेटवर्क या इंटरनेट सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। तो आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो गाइस, जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो आपने यहाँ पे इंटरनेट जो भी आपने वाईफाई कनेक्ट करके रखा हुआ होगा तो आपको यहाँ पे उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो गाइस, जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा प्रॉपर्टीज का। तो गाइस, आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे इसको प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपको यहाँ पे इंश्योर कर लेना है कि आपका यहाँ पे ये सिलेक्ट होना चाहिए ऑप्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन है, और दूसरे यहाँ पे DNS के लिए भी आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली वाला सिलेक्ट कर लेना है। इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इसको ओके कर देना है। तो गाइस, जैसे आप लोग इतना ओके करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे इसको क्लोज कर देना है और इसको यहाँ पे क्लोज कर देना है। और उसके बाद आपको अपने वाईफाई को चेक करना है कि वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। गाइस, अगर आपकी प्रॉब्लम इससे भी सॉल्व नहीं होती तो इसके बाद एक बार फिर से आपको यहाँ पे अपने वाईफाई के ऊपर राइट क्लिक करना है और इसके बाद एक बार फिर से आपको यहाँ पे ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है नेटवर्क ट्रबल शूटर। तो आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो गाइस, जैसे आप लोग यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये आपका जो भी यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम होगी उसको डिटेक्ट करेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑल नेटवर्क डाटा आपको यहाँ पे लास्ट वाला सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे आप लोग इतना नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद ये आपकी जितनी भी प्रॉब्लम अगर वाईफाई से रिलेटेड कोई भी हो तो उसको डिटेक्ट कर लेगा। अगर आपके यहाँ पे वाईफाई में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वहाँ पे इससे हो जाएगी। उसके बाद आपको सिंपल सा नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको फिक्स कर लेना है। तो गाइस, इस तरह से आप लोग बहुत ईजी तरीके से अपने लैपटॉप में नो इंटरनेट एक्सेस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।